दोस्तों मैं हाथ से ही हमारे बादशाह और बबलू थे, उनको मैंने खाना दे दिया है। तो सूरज जो है बिल्कुल डूबने के करीब है, आप देख सकते हैं दरख्त के करीब से। तो ज़ुबैर नुमान और फरमान जो ना उन्होंने दाना दे दिया, देना शुरू कर दिया। तो वही जो ना वो फ्रूट खा रहे हैं, इंतजार जा रहे हैं। तो ये हमारे मुंजी मुर्गी ये भी खा रहे हैं, ये हमारी छोटे बच्चे और मुर्गी ये भी खाना ही खा रही है। तो ज़ुबैर जो ना ये अभी निकाल रहा है, जार आज़ाद कर रहा है, क्योंकि मैं जंगली जानवर पकड़ कर इसमें लाऊंगा। तो हमारे मुर्गी के बच्चे जो ना वो भी, तो हमारे मुर्गे जो ना वो भी खाना शुरू कर दिया है। तो बच्चे जो ना वो भी इनसे खेलते हुए, ये तो अकमल जो ना ये खाना लेकर आ रहा है हमारे तरफ। हमारे जो ना ज़ुबैर तो आपको मैंने बताया ये खड़ा है, तो मुर्गी के बच्चे भी ये खाने के साथ खाना करें। ये हमारे खरगोश भी इंजॉय करें, छोटे बच्चे कभी छोटे थे तो अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास बरसात के बाद ये घास निकला है। तो उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया खूबसूरत तरीके से इंजॉय करते हुए, ये बच्चों के साथ फ्रेंड जो ना वो उनको अभी खाना दे रहे हैं। तो हमारा दो खरगोश ये उनको भी उन्होंने दे दिया खाना, देख सकते हैं ये भी खा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ये भी बचा देना शुरू कर देगी। हाँ खा लो खा लो खा लो। हमारा रांझी तो आपको पता है, इसको हमेशा बंद करके मैं रखता हूँ, क्योंकि ख़तरनाक है। कभी खरगोश पे हमला करता है, कभी किसी चीज़ पे हमला करता है, कभी कोर पे, तो उनको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा हमेशा पिंजरे के अंदर है, क्योंकि शेर है। तो ये हमारे हम देखते हैं, ये भी आराम से इंजॉय कर रहे हैं। इसके ऊपर खाना इनको दे दिया फिर हमने तो हमारे उन्होंने दे दिया है। दोस्तों कैसे आप उम्मीद ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो हमारे ये अंडू वाली मुर्गी उनको भी अभी उन्होंने बाहर निकाला है, उनको जो ज़बरदस्ती से निकाला उन्होंने, तो अभी जा रही है अपने अंडों में बैठने के लिए। शाबाश चले जाओ, आप बैठ जा, तो खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने अंडों पर बैठ चुकी है, आप देख सकते हैं। खरगोश जो ना वो खुद खोदना शुरू कर दिए उन्होंने, तो उसके अंदर भी बचा देना शुरू कर देंगे कुछ ही दिनों के बाद। तो अब सारे के सारे जो ना वो एंजॉय कर रहे हैं, हमारे परिंदे खरगोश एक साथ खाते हुए। तो वही बात ये है कि हमारे मोरनी को देखते हैं। तो दोस्तों हमारे मोरनी का एक बच्चा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सुबह काम पे चला गया इनको निकाल कर, तो ये जंगल के तरफ चले गई थी। तो पता नहीं वो कहाँ गया, मैं ढूंढता हूँ। हमारे घर इतना खूबसूरत था, वो चला गया, तो इधर गया था, इधर ही देखता हूँ, लेकिन की आवाज़ ही नहीं आ रही है। हमारे गाय भी हुए और हमारी गाड़ी जो मुर्गी है वो भी इंजॉय कर रही है। देखता हूँ किसी के नीचे न आ चुके हैं, और बजा इसके नीचे आवाज़ आ रही है। बच्चा के नीचे हमारे बच्चा जो है वो इसके नीचे आ चुका था, मैंने इनको मैंने निकाल दिया है। अभी जहाँ मम्मी के साथ अब इंजॉय कर रहे हैं सबके साथ, हमारे जानवर परिंदे खरगोश। हमारे मिठू जो है ये भी आवाज़ें दे रहा है, वो स्तर करके ऊपर चढ़ गया था, इनको फिरान नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी आराम से आ रहा है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। खुदा हाफिज़।